हेलो फ्रेंड नमस्कार, टेक्नोलॉजी टीचर में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक ये कि जो हमने पहले आपको वीडियो बताया था कि फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आप फेसबुक अकाउंट डिलीट करते हैं तो उसको 30 दिन के अंदर वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट को 30 दिन के अंदर फिर से रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक पेज पर जाना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपना फेसबुक अकाउंट को यहाँ लॉगिन करेंगे, जो भी डिलीट कर दिया आपने, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा है योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर डिलीशन ऑन 21 नवंबर 2020, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर आप कैंसिल डिलीशन पर क्लिक करते हैं तो जो आपने पहले परमानेंटली डिलीट वाली जो आपने कार्रवाई की थी उसको ये समाप्त कर दे, ठीक है। और आप कन्फर्म डिलीटेशन पर क्लिक करते हैं तो कन्फर्म डिलीशन पर क्लिक करने से क्या होगा कि 21 नवंबर 2020 के बाद 30 दिन तक ये आपकी आईडी को डिलीट नहीं करेगा, और जैसे 30 दिन समाप्त होंगे ऑटोमेटिकली आपके आईडी को डिलीट कर देगा। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपनी आईडी को फिर से रिएक्टिवेट कर सकें। तो अपनी आईडी को रिएक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर कैंसिल डिलीशन पर क्लिक करना होगा। कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे कैंसिल डिलीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, हमारा अकाउंट फिर से रिएक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को फिर से रिएक्टिवेट कर सकते हैं। और कोई जानकारी आपको पूछना हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद। क्योंकि हमारे चैनल में मोबाइल एंड पीसी संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।